हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल बीरो फ्लिक्स। मेरा नाम अनिल है। आज इस वीडियो में हमारे पास एमआई का ये आईपैड है, एमआई पैड फर्स्ट जनरेशन। इसको रूट करना है। मैं अभी इसको स्विच ऑफ था, इसको ऑन कर देता हूँ। पावर बटन दबा दिया। आप देख सकते हो एमआई का नाम आ रहा है और एक फर्स्ट जनरेशन वाला जो आईपैड है। और इसमें कैसे कंपनी ने इसको किटकैट पे लॉन्च किया था, इस आईपैड को कंपनी ने 4.4 पे लॉन्च किया था और उसी पे स्टॉप कर दिया। इसको अपडेट भी है नहीं आगे, तो इसको आप अनऑफिशियली एंड्रॉयड 8 तक भी आप अपडेट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको पहले मोबाइल को इसको रूट करना पड़ेगा आईपैड को, उसके बाद टीआरपी इंस्टॉल करना पड़ेगा। टीआरपी के बाद आप कोई भी मोड पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप देखते हैं जो भी नेट पे अवेलेबल होगा मोड, हम उसे इंस्टॉल कर देंगे। आप देख सकते हो आईपैड चालू हो गए, तो इसको मैं अनलॉक करता हूँ। पहले आप देख सकते हो कुछ इसमें कुछ है ही नहीं। क्या है मेन इशू इसका, ये आ रहा है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा होता हूँ, ये थोड़ा लैग मारता है, तो एक्सपीरियंस काफ़ी बकवास है इसका उस मामले में। तो इसके लिए हम इसे रूट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो ये हमारा आईपैड है। हम यहाँ पे जाएंगे रूट में। आप देख सकते हो स्टॉक है, यहाँ पे आना है, रिबूट रिकवरी मोड में आना है। मैंने यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट फाइल जो आपको कॉपी की थी अपडेट डॉट जिप करके, तो फाइल वहाँ से सिलेक्ट करके हमें इंस्टॉल करनी है। तो फिर ये पहला आईपैड रुक हो जाएगा। रुक होने के बाद मैं बाकी स्टेप से वो बताऊँगा कैसे हमें WPRP इंस्टॉल करना है, उसके बाद फ्लैश करना है दूसरे फाइल से। और इसका 4.4 तक अपडेट है, तो उसे हम 7 या 8 तक ट्राई करेंगे, जो मैक्सिमम होगा वहाँ तक लेकर जाने का ट्राई करेंगे। आप देख सकते हो रिस्टार्ट हो चुका है। ये सिलेक्ट करने के लिए आपको पावर की और वॉल्यूम का बटन सिलेक्ट करना पड़ेगा। वॉल्यूम डाउन से ये होता है, सिलेक्ट के लिए हमें पावर की का बटन दबाना है। मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट की। ये देख तो इंस्टॉल अपडेट टू सिस्टम मोड, ओके करना है, यस करना है। देखिए अपडेट हो गया, अपडेट कंप्लीट, ओके। रिबूट करना है, तो रिबूट सिस्टम ऑन लेटेस्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे सुपर यूआई आ गया, सक्सेसफुल हो गए, कंटिन्यू क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम में इंस्टॉल हो गया, हमें इसे रिमूव करना है। मैं कोई भी अगर कस्टमर ऑफ इंस्टॉल करना होगा तो रूट करना ही पड़ता है किसी भी एंड्रॉइड को, और उसमें कस्टमर रिकवरी इंस्टॉल नहीं होती, उसके बाद हम आगे जो करना है वो कर सकते हैं। हम देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है सुपर यूआई, सुपर यूआई एनेबल हो गए, सुपर यूजर एनेबल हो गए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह आपके लिए वीडियो आते हैं।